हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतीक मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं सीपीएट केवीएस वन सीरीज का लेक्चर नंबर 5। इसमें आज हम करेंगे इंटीजर। देखिए, इंटीजर एनसीईआरटी के हमारा 6th क्लास की 6th चैप्टर में है और 7th क्लास के 1st चैप्टर में है, और ये ही हमारा केवीएस के सिलेबस में भी आता है और सीपीएट के में भी। ठीक है, तो ये होता क्या है, इंटीजर क्या होते हैं। देखिए, हमने अपनी लास्ट लेक्चर में बात करी थी नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि इसी में अगर मैं बात करूं इंटीजर की, तो इंटीजर क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर्स होते हैं जब ये जितने भी नेचुरल नंबर है इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं इसको जीरो भी निकाल लेता हूँ, लगा लू, और फिर क्योंकि अभी ये नेचुरल नंबर नहीं है, यहां से मैं -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, माइनस में भी आ जाते हैं, तो इन सारे नंबर को हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है, तो एक्चुअली जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और जो ये नंबर होते हैं इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता ना नेगेटिव इंटीजर होता। ठीक है, यहाँ पे एक और बात है ध्यान देने वाली कि अगर मैं बात करूंगा कि 1, -1, -2। ठीक है, यहां तो क्या होता है 1 is less than 2। ठीक है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं, देखो यहां डिफरेंस आया कि जो ये माइनस था इसके अंदर क्या होता है, जितना माइनस के आगे बड़ी रकम होगी, बड़ा नंबर होगा, तो उतना वो छोटा होता चला जाएगा। क्योंकि एक्चुअली ये नंबर लाइन पे ही शो होते हैं, ये एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये नंबर लाइन ही है, इस पे जितना राइट साइड में होगा उतना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब एक और चीज है, ये तो चीज हो गई है। अब तो देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि -1, -2। अब इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा, जैसे इनके बीच में कोई इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ये चलता है कि अब आपको पता चल गया कि क्या इंटीजर्स होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, कौन सा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, ये भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे कैसे ये ऐड होते हैं, कैसे माइनस होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बात करेंगे। एक होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स किसी भी चीज का वो होता है जो उसमें ऐड हो जाए और उसको जीरो बना दे। देखो, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, उसको जीरो बना दे। ठीक है, मैं 4 में क्या ऐड करूं कि वो जीरो बन जाएगा, वो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे। ठीक है, तो वो होता क्या है कि एडिटिव इनवर्स में कभी भी उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 6 होगा। समझ आया, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि सेम वही नंबर होता है बस साइन चेंज करते हैं। ठीक है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या बात करते हैं कि वो जीरो बनता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वो 1 बनता है। जैसे अगर मैं 3 बात करूंगा, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3, और उसको उल्टा कर देते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, अगर कोई 1/4 होगा तो उसका होगा 4, कोई 2/3 होगा तो उसका होगा 3/2, मतलब उसको पलट देते हैं। ठीक है, ये बात हुई हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की और एडिटिव इनवर्स की। ठीक है, एक होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो है 0। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वो है 1। देखो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से क्या आ रहा था, -1 आ रहा था, एडिटिव इनवर्स से क्या आ रहा था, एडिटिव 0 आ रहा था। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने में 1 आ रहा था, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई, 1। यानी अगर इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, वो वही नंबर आएगा। ठीक है, और इसको अगर किसी भी नंबर में जोड़ेंगे 0 को,
सेम नंबर आएगा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि होता क्या। देखो इंटीजर में सबसे पहले बात करते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करता है। हमारे देखो मानो माइनस टू और माइनस थ्री, ठीक है, इस एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। तो देखो इसका एक सीधा सा रूल है, वो मैं बता सकता हूँ। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, और प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। समझ आया? यानी जब साइन अलग होंगे तो माइनस आएगा, जब साइन सेम होंगे तो प्लस आएगा। सीधे सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, अब होगा क्या, ये तो बात है कि ये होगा। ठीक है, अब साइन जो आएगा वो आएगा पड़ेगा। अब देखो यहाँ क्या दोनों में माइनस और माइनस, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, प्लस होने चाहिए। देखो माइनस माइनस प्लस, तो फाइव तो आएगा। अब हमने लिख लिया फाइव। अब जो मैं साइन लगाऊंगा वो किस चीज का लगाऊंगा, वो लगाऊंगा माइनस का, जो बड़े वाला होगा। बड़ा कौन सा है, थ्री है ना। अब इसमें पूरे को नहीं देखेंगे, माइनस थ्री और माइनस टू में, माइनस टू में से बड़ा है, माइनस थ्री से हम बस ये देखेंगे कि थ्री बड़ा है, तो थ्री के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो माइनस पर था। ठीक है, इसी केस में अगर मान लो ये इस तरह से होता तो बताओ, जिसके आगे साइन नहीं होता वो खुद ही पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस यानी कि माइनस होगा। अब थ्री में से टू माइनस किया कितना आया, वन आया। ठीक है, थ्री में से अब साइन किसका है, माइनस का। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल एग्जांपल में बताऊं, तो मान लो आपके फोन में दो रुपए थे। ठीक है, जब आप रिचार्ज करवाते हैं उसको लेना प्लस, और जब आप टॉक टाइम पे बात करते हैं तो उसको लेना माइनस। ठीक है, दो रुपए थे, आपने उसमें से तीन रुपए की बात की, तो आपका बैलेंस कितना बचेगा, माइनस वन। सेम वही चीज है। ठीक है, अगर वही वाली बात होती कि अगर मान लो आपके बैलेंस पहले ही माइनस होता और माइनस तीन रुपए यानी तीन रुपए की बात और कर दिया आपने, तो आप क्या क्या बैलेंस होगा, माइनस फाइव होगा। समझ आया, सेम वही चीज है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे चलती है। इसमें क्या होता है कि जैसे माइनस माइनस हो प्लस हो गया, तो यही रूल है। ठीक है, इसके लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं सेवन क्लास के फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी से, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बुक का, वहां से आप टू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीजों के। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन एक दो तरह के और बता देता हूँ। देखो माइनस टू कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, अब क्या है, कुछ हमारे फ्रेंड्स को हमारे व्यूअर्स को ये मुश्किल लग रहा होगा, पर इसमें कुछ नहीं करना। देखो ये प्लस माइनस मैंने क्या बताया था, क्या बन जाएगा माइनस, तो ये क्या होगा माइनस टू माइनस थ्री, क्या होगा माइनस फाइव। ये माइनस कैसे बना, प्लस और माइनस माइनस, जब साइन अलग होंगे तो हमारा माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें वही चीज करना है, प्लस और माइनस जब प्लस साइन अलग अलग होंगे तो क्या हमारा होगा माइनस फाइव। ठीक है, अब साइन की चीज का आएगा बड़े जाने का, फाइव आ गया था साइन की चीज का आएगा थ्री बड़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में करनी तो मल्टीप्लाई है, ये वाला जो रूल है ये उसमें फॉलो होगा पूरी तरह से, लेकिन वहां क्या होगा, वहां में साइन निकालने के लिए फॉलो होगा। यहाँ तो क्या था, यहाँ तो प्लस करना है या माइनस करना है, इसके लिए फॉलो हो रहा था, और निशान हम किस चीज का लगा रहे थे, बड़े वाले का। ये बात याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम निशान किस चीज लगा रहे थे, बड़े वाले का, और बाकी यही वाला रूल फॉलो कर रहे थे कि प्लस करें या माइनस करें। अब क्या होगा, अब होगा, अब हमें ये रूल जो फॉलो करना है वो बस ये करना है कि हम साइन किस चीज का लगाए, मान लो माइनस टू इंटू थ्री। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके क्या है सिक्स। ठीक है, अब क्या होगा, साइन किस चीज का लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस का साइन, आया समझ में। जब साइन अलग अलग होंगे तो साइन किस चीज का आएगा, साइन से चीज का आएगा जो ये रूल के हिसाब से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीधा, यही चीज हमारे डिवीजन में होगा, डिवीजन में भी यही चीज होगा। ठीक है, डिवीजन में देखो माइनस फोर डिवाइड टू। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब देखो डिवाइड करेंगे तो आएगा तो टू, साइन क्या होगा माइनस और प्लस है। ठीक है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो होता है प्लस, तो ये क्या हुआ, ये माइनस टू। ठीक है, अब एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको,
कि अगर मान लो ये क्वेश्चन इसी तरह से होता कि माइनस फोर डिवाइड बाई माइनस टू, अब इसके सामने माइनस का साइन है, तो अब ये माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा, पहले जो डिवाइड करेंगे टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा, तो सीधा है थोड़ा सा, अगर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें तो सीधा ही यही चीज है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है प्लस माइनस में, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सेवन क्लास के फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, और सिक्स क्लास के सिक्स चैप्टर से एनसीईआरटी से, आगे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। एक और जो चीज होती है वो ये पूछी जा सकती है कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं क्या, नहीं हमारे सारे नेचुरल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं होते, क्योंकि नेगेटिव जो हमारे इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, ठीक है, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स होंगे, क्योंकि वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर को एक्चुअली हम पॉजिटिव इंटीजर से बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर नंबर 5, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।